आज मैं बात करूंगा लोनलीनेस और एलोननेस के बारे में। दोनों की शब्दावली लगभग लगभग सेम ही समझ में आती है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जिस तरह से मैंने जाना और समझा है कि दोनों में बहुत अंतर है। लोनलीनेस तन्हाई, अकेलापन, जिसको हम फुलफिल कर लेना चाहते हैं दूसरों के माध्यम से, और मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि इससे बात कर लेता हूँ या इससे मिल लेता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो डीप सेटिस्फेक्शन रियल में देखा जाए तो वो आपके अंदर ही नहीं है, आप अपने एकांत से कभी मिले ही नहीं हैं, इसलिए जी छुड़ा कर भागते हैं कि कहीं चार दोस्त यारों के साथ बैठ लूं, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये होता है लोनलीनेस की डिफिनीशन, जिसमें हम भागते रहते हैं, गप करते हैं और मतलब अननेसेसरी टॉकिंग, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और एलोननेस आपका स्वभाव है, ये आपका नेचर है, ये आपका नेचुरल जो स्वभाव है वो है। यह आपको सोचने समझने की शक्ति देता है कि कैसे मैं अपने अंदर से ही ऐसा फील करूं कि मैं सेटिस्फाई रह सकूं, मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई कंपनी आती है तो मैं उससे भली भांति अटैच्ड रहूँगा। अटैच्ड इन द सेंस, अच्छे टर्म्स में, जितने समय तक वो बैठेगा हमारी अच्छी बातें होंगी, यदि अच्छे लोग हैं तो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सोसाइटी से हट गए हैं, उसका मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है। एलोननेस मतलब कि आप हटे तो हैं लेकिन गलत चीज़ों से हट गए हैं, अब आपको वो सारी जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं, गॉसिप्स हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है। हाँ, यदि कोई रियल मुद्दे हैं तो उनमें आप ज़रूर बैठकर डिस्कशन करना चाहेंगे। तो ये है लोननेस, आप अच्छे अच्छे गाने हैं, भजन हैं, उनको सुन सकते हैं, बुक्स हैं पढ़िए, समझिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि 24/7 आपकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो आप उससे आसक्तियां पाल लेंगे। आसक्तियां इन द सेंस, जब तक वो रहेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप उस पर अपना बंधन डालने की कोशिश करेंगे, उसकी स्वतंत्रता में बाधा बनने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ ऐसे का साथ पकड़ लीजिए, कुछ ऐसी अच्छी आदत या हैबिट डेवलप कर लीजिए जिससे आपका अपना साथ हमेशा बरकरार रहे, आपके अंतर्मन को कोई चोट ना पहुंचा सके, ना आप डिमांड करें ना एक्सपेक्टेशन करें। यदि कोई आता है, आइए वेलकम, और चला जाता है तो उसे जाना ही था, तो जाने दीजिए, लेट हिम गो। शांति का माहौल है चारों तरफ और अच्छा फील होता है प्रकृति के बीच में, जब सनशाइन के बीच में बढ़िया हवाएं चलती रहती हैं, आप आते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, इंटरेक्शन होता है, अच्छा है। कुछ समय ऐसे भी बिताइए, आप पाएंगे कि रियल में आपको इतना ज़रूरत नहीं है जितना आप लिप्त रहना चाहते हैं, जितना आप फील करते हैं हर टाइम में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने ऐसे ही यह वीडियो बनाया। प्राकृतिक जगहों के बीच पर जाइए और आनंद लीजिए, तितलियाँ, खूबसूरत तितलियाँ चारों तरफ उड़ रही हैं।
और यह प्राकृतिक सुंदरता एकांत में लेकिन सौंदर्य हमने बस बड़ी बड़ी टीवी, महंगी महंगी गाड़ियों, इन्हीं सब में खोज रखा है, जिसके पीछे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। कबीर साहब का एक दोहा याद आता है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ ना चाहिए वो साहन के साह। तो यदि चिंता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं चाह छिपी हुई है, और जब तक चाह बननी रहेगी चिंता नहीं मिटने वाली है, चिंता साथ साथ ही चलेगी कदम दर कदम। तो जो अपना मूल स्वभाव है चाह का मिटना, उसे धीरे धीरे देखिए समझिए, अपने एकांत में ही वो चीज़ें समझ में आएंगी और फिर मन बेपरवाह हो जाता है। और फिर जब आप डिमांड नहीं करते हैं तो आपको इतना कुछ मिलता है, भीतरी रूप से भी और सांसारिक रूप से भी मैंने देखा है कि चारों तरफ से आप पर बारिश ही होती है जब आप बांटने निकलते हैं। तो चिड़ियों की चहचहाहट, पता नहीं हम शहर में रहकर इन्हें सुनना ही भूल गए हैं, संगीत के नाम पर बस डीजे ही। छा रहा है चारों तरफ और तितलियां ठीक है, मैं बस यहीं पे अपनी बात रखना चाहूँगा। और बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। ओके, धन्यवाद।